हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत सर का ड्राइंग बना रहे थे। अगर एक भी वीडियो अभी तक तुम नहीं देखे हो, मेरे चैनल पे जाके देखो। मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ। पहला जो वीडियो था, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आउटलाइन बनाते हैं, उसका वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था, मतलब पार्ट टू, वहाँ पर मैंने किस तरह से शेडिंग करते हैं, यहाँ तक आइज, नोज, फोरहेड, चीक्स किस तरह से शेडिंग करते हैं, फुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया था। और किस तरह से सिखाया था, अगर देखना है तो जाओ वीडियो देखो, क्योंकि अगर वो वाला वीडियो तुम अच्छे से देखोगे तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा ईजी लगेगा। तो क्या क्या मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वाला जो वीडियो था वहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया था। तो वो वाला वीडियो देखकर ही ये वाला वीडियो देखो, ताकि ईजी होगा। तो अभी जो ये वाला वीडियो है, यहाँ पर मैं तुमको सिखाऊंगा लिप्स, हेयर और बियर्ड पर किस तरह से शेडिंग करते हैं। और शेडिंग के लिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ग्रेफाइट और चारकोल दोनों को मिक्स करके हम ये वाला पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो देखते जाओ किस तरह से यहाँ पर शेडिंग करता हूँ। अगर तुम देखोगे तभी सीखोगे, अगर नहीं देखोगे तो नहीं सीखोगे। ज़्यादातर वीडियो थोड़ा सा मैं लंबा करके बनाता हूँ, ताकि तुम अच्छे से सीख सको किस तरह से शेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि फुल स्पीड अप वीडियो मैं डाल देता हूँ, उसके बाद तुम देख लो, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। ऐसा मैं नहीं करता हूँ, सीखने के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लंबा होता है, इसलिए पार्ट वाइज बनाता हूँ, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ताकि तुम अच्छे से देखो वीडियो को, अच्छे से सीखो किस तरह से शेडिंग या फिर ड्राइंग किस तरह से करते हैं। और हमेशा एक बात फोकस करना कि ड्राइंग पर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ड्राइंग एक दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो ऐसा मत समझना कि जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हो स्पीड अप वीडियो, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ड्राइंग बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। एक ड्राइंग के लिए 2, 3, 4, 5 ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितना तुम टाइम दोगे एक ड्राइंग पर, तुम्हारा ड्राइंग उतना ही बेहतर होगा। ड्राइंग को ना एक डिश की तरह समझ लेना, खाने का डिश। एक डिश बनाने के लिए कितना सारा मेहनत, कितना सारा टाइम लगता है, उसके बाद जाकर जो डिश होता है वो डिलीशियस होता है। तो अगर सेम थिंग, अगर हम ड्राइंग को एक डिश की तरह समझे, तो ड्राइंग के लिए भी बहुत सारा टाइम, बहुत सारा मेहनत, बहुत सारे एफर्ट अगर तुम ड्राइंग पर दोगे, तभी तुम्हारा ड्राइंग डिलीशियस, मतलब बेहतरीन होगा। तो बस वीडियो को तुम अच्छे से देखो किस तरह से मैं यहाँ पर शेडिंग करता हूँ, ग्रेफाइट और चारकोल मिक्स करके किस तरह से यहाँ पर मैं शेडिंग करता हूँ, अच्छे से देखते जाओ, तभी तुमको अच्छे से मालूम चलेगा किस तरह से शेडिंग करते हैं। अभी जो ये बियर्ड वाला पोर्शन है, बियर्ड तो छोटा छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल थोड़ी देर बाद में करूँगा। जो पहला बियर्ड है उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, और पेंसिल को हमेशा शार्प रखना, क्योंकि जो बियर्ड है वो काफ़ी शार्प होता है। शार्प लाइन हमको यहाँ पर खींचना पड़ेगा, तो तुम जो चारकोल पेंसिल है उसको थोड़ा सा शार्प कर लो, पॉइंटेड कर लो, उसके बाद बियर्ड बनाओ। बियर्ड बनाते बनाते मैं तुमको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का अगर ड्राइंग कंटेंट लिखना पसंद करते हो और मेरा सुरीला आवाज़ सुनना पसंद करते हो, तो पसंदीदा से जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन पर जाके ज़रूर बोलना। तो ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, वीडियो को तुम अच्छे से देखो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होता है। जितना ऑब्जर्व तुम करोगे उतना तुम्हारा ड्राइंग बेहतर होगा। तो वीडियो को आप अच्छे से देखो, एंजॉय करो वीडियो को। जो बियर्ड वाला पोर्शन है वो हमने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो हेयर वाला पोर्शन है, हेयर पर शेडिंग करके दिखाएंगे। तो हेयर के लिए मैं कॉम्प्रेस चारकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कॉम्प्रेस चारकोल है तो करो, अगर मतलब ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर पेंसिल से हमको लेयर बनाना पड़ेगा, अगर चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो आप पेंसिल से भी कर सकते हो। चारकोल पेंसिल से पहले एक लेयर बनाओ, उसके बाद ब्लेंड करो किसी भी सामान से। मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि जो हेयर वाला पोर्शन है, हेयर के लिए आप चारकोल का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि जो चारकोल है वो हमको एक्चुअल डार्क देता है, जो ग्रेफाइट हमको बिल्कुल नहीं देता है। ग्रेफाइट से तुम कितना भी लेयर बनाओ, 10B पेंसिल लो या कितना भी तुम लेयर बनाते जाओ, पेपर फट जाएगा, लेकिन एक्चुअल डार्क हमको नहीं मिलेगा, जो हमको चारकोल पर एक ही लेयर पर हमको मिल जाता है, और चारकोल शाइन नहीं करता है।
ग्रेफाइट बहुत शाइन करते हैं, इसलिए जो ड्राइंग होता है वो रियलिस्टिक सा नहीं लगता है, बहुत ही बेकार सा लगता है। तो चारकोल का इस्तेमाल करके हम हेयर वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, और जो चारकोल पेंसिल है उसी से हम जो डिटेल वाला हेयर है उसको बनाएंगे। हेयर का जो ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाता है, आखिर में एक पेंसिल इरेजर लेके जहाँ जहाँ पर हाईलाइट वाला होगा उसको हम इरेज करके हाईलाइट बनाएंगे। तो बहुत ही इजी सा एक प्रोसेस है। तो बस आज का जो वीडियो है इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा जो फेस वाला पोर्शन है कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट वीडियो होगा वो मैं नेक क्लॉथ और बैकग्राउंड किस तरह से बनाते हैं उसको मैं बनाकर दिखाऊंगा, और वो वीडियो लास्ट होगा। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना।